अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जैसमीन ब्लॉग। आई होप यू आर फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ, आप सब भी अच्छे होंगे। आप सबकी दुआएं हैं जो मैं अच्छी हूँ। और यहाँ से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो। और आप सभी को जुम्मा मुबारक मेरी तरफ से। और आज जुम्मा है और अभी टाइम हो चुका है, 12 बज चुके हैं। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं करा, नाश्ता करा है और कपड़े चेंज करे हैं और फ्रेश हुई हूँ। बस यही करा है जो रूटीन में होता है मॉर्निंग का, वही करा है। अब मैं काम करना स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि कारपेट जो बिछाया था उसके नीचे धूल काफ़ी आ चुकी है, वो साफ़ करनी है। कपड़े पड़े हुए हैं बहुत सारे, उनको धोने हैं क्योंकि बच्चे बहुत गंदे कर देते हैं। और जो सुखा रखे थे कपड़े उनको भी तय करना है, किचन में भी काम करना है और नीचे भी जाना है। और मेरे को एक पार्सल रिसीव हुआ है आज, तो उसकी भी वीडियो शूट करनी है मुझे। मतलब आज बहुत सारे काम है जुम्मे के दिन, और फिर अजान हो जाएगी तो फिर नमाज का टाइम हो जाएगा, तो इसलिए मैं कर नहीं पाऊँगी। इसलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को। और सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, मैं बता दूँ आपको मेरे को क्या रिसीव हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। इतने तो मुझे ये वाला पार्सल रिसीव हुआ है शॉप सीजे की तरफ से, तो मैं इसकी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि प्रोडक्ट कैसा है। तो इससे ट्यून मतलब बने रहिए वीडियो के साथ, एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को। और स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को। तो सबसे पहले मैंने नीचे कारपेट पर से झाड़ू तो निकाल दी मैंने, और नीचे से भी निकाल दी, ऊपर से भी निकाल दी। अब झाड़ू ऐसी कैसी पड़ी हुई है मैं आपको बता देती हूँ। और मैंने सोफ़ा भी झटकार दिया है, ये ऐसी कैसी ही पड़ी हुई नीचे, सोफ़ा भी झटकार दिया है मैंने। अब करते हैं, बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही काम करने की आज। तो अब मैं कर रही हूँ किचन की सफाई क्योंकि आंधी आती रहती है तो धूल घुस जाती है मेरे किचन में, ज़्यादा ही धूल घुस जाती है। और जो उड़ के आते हैं वो अलग घुस जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ये तेल की बनी है, तो ये क्या नाम से चिकनी हो गई थी, तो मैंने इसको है ना गैस पे रख दिया ताकि ये अच्छे तरीके से ये साफ़ हो जाए। इसलिए तो बस मैं गैस की पट्टी साफ़ कर रही हूँ और डब्बे सारे साफ़ कर रही हूँ। मैं जो डब्बा दिख रहे हैं आपको, ये मम्मी ने उपटने मिनी में दिए थे मुझे, तो वही है, बहुत ही अच्छे हैं और बहुत लाइट वेट हैं। तो मैंने इसमें शक्कर, चाय की पत्ती और नमक रख रखा है इसके अंदर पास में ही, मतलब पट्टी पे ही, तो आसानी रहती है इसी तरीके से हाथ में ले लो। बिल्कुल लाइट वेट है, ज़्यादा हैवी भी नहीं है, बच्चे भी उठा सकते हैं उसको आराम से। तो बस मैंने सोचा आज सफाई कर लेती हूँ, बहुत ही बोरियत लग रही थी मेरे को तो आज, सच में 1% भी इच्छा नहीं हो रही थी मेरी बिल्कुल, इतनी बोरियत। फिर मैंने सोचा काम कर लेते हैं, काम करके बिजी रखो तो अपने आप को वो बढ़िया है, और नमाज़ें पढ़ो ये ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। तो बस अंदर तक की भी सफाई करी थी मैं क्योंकि रमज़ान भी आने वाले हैं, तो ऊपर सेरी वेरी कर लो, नीचे चल जाओ रोज़ा अफ्तार करने के लिए, बस यही है। और आप सब बोल रहे थे ना मुझसे कि व्लॉग में कोई दिखाई नहीं देता, आपके साथ कोई रहता नहीं है क्या? मेरे साथ सब रहते हैं, बट मैं तब लेती हूँ जब कोई नहीं होता है, ये है मेरी व्लॉग की पहचान। क्योंकि किसी किसी को पसंद आता है कि व्लॉग में आना या नहीं आना, तो फिर वो मना कर दें तो फिर मुझे डिलीट करना पड़ता है अपना व्लॉग, तो इस चक्कर में मैं व्लॉग में नहीं लेती हूँ, यही रीज़न है। तो इसलिए दिखाई नहीं देता कोई भी मेरे व्लॉग में।
तो अब मैं नीचे जा रही हूँ, मैं बाकी का जो काम बचा है वो बाद में करूँगी। मैं पहले नीचे चल जाती हूँ, किचन तो साफ़ कर दिया मैंने, रूम भी साफ़ कर दिया है, बस फ़ैन ऑफ करके नीचे जा रही हूँ मैं। तो आज खाने में मैं लेके आई हूँ नीचे से रोटी और कढ़ी और फ्राई करी हुई हरी मिर्च, बस यही है। और मैं खा लेती हूँ, उसके बाद में तो वो साथ में टीवी भी देख रही थी, वो खाना खा लिया मैंने। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर, जो कपड़े मैंने सुखा रखे थे ना, वो मैंने कल मैंने तय करके नहीं रखे थे, तो बस अब मैं वही तय कर करके रख रही हूँ अलमारी में। और आज भी बच्चों ने इतना सारा ढेर लगा दिया, मतलब इतने कपड़े बदल रहे हैं बार बार में कि बता नहीं सकती मैं। तो वही बार बार में धोने पड़ते हैं, मैं डेली धो लेती हूँ तब भी कम पड़ जाते हैं। बच्चे इतने गंदे करते हैं कपड़े, एलिफ बिल्कुल भी नहीं करती है, एलिफ फिर भी थोड़ा गीले वीले कर लेती है, तो फिर मुझे बदलाने पड़ते हैं। फिर मैं वो अलमारी में नहीं रखती, तय करके सुखा के वो भी धो देती हूँ फिर मैं, क्योंकि बेडशीट वगैरह सभी रहती हैं बच्चों के साथ में, तो इस चक्कर में। तो बस यही, मैं पहले इसको तय कर लूँ, फिर उसके बाद में आपसे व्लॉग में दोबारा मिलती हूँ। गेट डोर क्लोज कर। तो व्लॉग का एंड मैं यहीं पर ही कर रही हूँ। बाहर बहुत धूप हो रही है, मतलब जाने की इच्छा नहीं हो रही, तो मैं रेस्ट करूँगी अब थोड़ा सा, इतनी धूप हो रही है, बच्चे तो ट्यूशन गए हुए हैं। तो बस आज के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।